हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। कल्याणी और महिंद्रा डिफेंस के बाद अब टाटा ग्रुप से भी इंडियन आर्मी लेगी आर्मर्ड व्हीकल्स। टाटा कैस्ट्रल का जल्दी स्टार्ट हो सकता है प्रोडक्शन। पूर्व लद्दाख के अदर एरिया से डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भारत ने दिया जोर। भारत के MSME बना रही है वॉरशिप्स को इनविजिबल करने वाली टेक्नोलॉजी। और भारत और चीन के न्यूक्लियर एस्केलेशन पर आई सिप्री की एक नई रिपोर्ट। कल्याणी और महिंद्रा डिफेंस के बाद अब भारत की टाटा ग्रुप भी इंडियन आर्मी से हैवी आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल्स का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए तैयार है। और सोर्सेज का कहना है कि जब से पूर्व लद्दाख में भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ शुरू हुआ, तब से ही इंडियन आर्मी ने ऐसे आर्मर्ड व्हीकल्स की तलाश शुरू कर दी थी जो एक बेहतरीन मोबिलिटी देने के साथ साथ हमारे सोल्जर्स को प्रोटेक्शन भी दें। और इसके अलावा इन व्हीकल्स को लद्दाख जैसे इलाकों पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। और सोर्सेज का कहना है कि इस तरह के व्हीकल्स न केवल सोल्जर्स को प्रोटेक्शन देंगे बल्कि ये एक फास्टर इंडक्शन और डी इंडक्शन के भी काम आएंगे। यानी कि अगर फोर्सेस को जल्दी से तैनात करना है या वहां से हटाना है तो ऐसी स्थिति में भी इन व्हीकल्स का इस्तेमाल होगा। और इंडियन आर्मी ने इन व्हीकल्स को खरीदने की जो प्रोसेस है उसे और तेज कर दिया है। और ये तो आप जानते होंगे कि अभी कुछ समय पहले इंडियन आर्मी ने 27 कल्याणी M4 आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए भी ऑर्डर प्लेस किए थे और फिर बाद में महिंद्रा डिफेंस को भी लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स के लिए ऑर्डर दिए गए थे। और अब जिस तरीके से रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि टाटा ग्रुप को भी इंडियन आर्मी से इन हैवी आर्मर्ड व्हीकल्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए ये एक बढ़ावा होगा। और बाकी आपको स्पष्ट कर दे कि ये रिपोर्ट द प्रिंट की तरफ से जारी की गई है। और ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स निकल के सामने आई है कि DRDO और टाटा द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाया गया व्हील्ड MPBS आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जिसका नाम है टाटा कैस्ट्रल, इसके प्रोडक्शन को जल्द ही स्टार्ट किया जा सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि ऐसी भी संभावना है कि इस व्हीकल को दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जाए। बाकी अगर आप टाटा कैस्ट्रल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सिप्री की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि भारत और चीन के बीच न्यूक्लियर एस्केलेशन की ना कोई संभावना बनती है और ना ही कोई इन दोनों देशों के बीच किसी परमाणु युद्ध की कल्पना भी कर सकता है। और ये जो रिपोर्ट है ये करीब 119 एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू के आधार पर तैयार की गई है। और ये एक्सपर्ट्स भारत, चीन, अमेरिका, रशिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज से थे। और इस रिपोर्ट में इस बात को भी हाईलाइट किया गया है कि अगर बात आती है न्यूक्लियर पोस्चर की तो भारत और चीन दोनों एक ही तरह से इस पर चलते हैं। और एग्जांपल के तौर पर अब इनकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को देख सकते हैं, यानी कि दोनों कंट्रीज अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को पहले इस्तेमाल ना करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस रिपोर्ट में इस बारे में भी बात की गई है कि अगर भारत को पाकिस्तान और चीन से टू फ्रंट वॉर का खतरा बनता है तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसी स्थिति में होगा यह कि जो ये रीजन है ये दो भागों में बढ़ जाएगा, जिसमें एक तरफ रहेगा अमेरिका और भारत और दूसरी तरफ रहेगा चीन और पाकिस्तान। बाकी एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि पूर्व लद्दाख के अदर एरिया से डिसएंगेजमेंट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भारत ने शुक्रवार को चीन को जोड़ दिया है। और भारत का कहना है कि डीएस्केलेशन ये एकमात्र रास्ता है जिससे बॉर्डर एरियाज पर शांति और स्थिरता कायम होगी। और ये बात मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कही है, और जिसमें उनका ये भी कहना था कि दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे के साथ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से इशू को सुलझाने पर काम कर रहे हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि चीन जल्द से जल्द डिसएंगेजमेंट को सुनिश्चित करने के लिए इस दिशा की तरफ काम करेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लॉन्च किए गए एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। और इन मारे गए आतंकियों से एक AK-47, एक SLR और एक पिस्टल भी बरामद हुई है। और ये वही आतंकी हैं जिन्होंने गुरुवार को BJP लीडर पर हमला किया था। और उनके इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक पर्सनल वीर गति को प्राप्त हुए थे। और फिर उसके बाद एक पूरे इलाके की घेराबंदी की गई थी और एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और अब इस ऑपरेशन में इन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। वैसे आतंकियों से याद आया, आपको ध्यान होगा कि डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से जो पाकिस्तान ने भारत से सुगर और कॉटन जैसी चीजों के इंपोर्ट को बैन कर दिया था, तो अब एक बार फिर से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनकी इंपोर्ट को शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। और भारत से सुगर और कॉटन को इंपोर्ट करना है इसका रिकमेंडेशन दिया था पाकिस्तान की ही कैबिनेट कमेटी ने, क्योंकि अगर अन्य कंट्रीज से ये चीजें इंपोर्ट की जाती हैं तो फिर वो पाकिस्तान को महंगी पड़ती। तो इसलिए अपनी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए और कम दामों में इनको हासिल करने के लिए पाकिस्तान के कैबिनेट कमेटी का सुझाव था कि ये भारत से इंपोर्ट किए जाएं। अब हुआ यह है कि हमारे निकमे पड़ोसी की ही फेडरल कैबिनेट ने उनकी ही कैबिनेट कमेटी के रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने फैसला लिया है कि वे भारत से सुगर और कॉटन इंपोर्ट नहीं करेंगे। और इसी बात की जानकारी देते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्विटर के जरिए एक वीडियो पब्लिश की थी जिसमें उनका यह कहना था कि भारत से कॉटन और सुगर को इंपोर्ट करने का जो फैसला है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। और इसी वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ व्यापार पूरी तरीके से तभी स्टार्ट हो सकता है
जब भारत आर्टिकल 370 वाले फैसले को वापस ले लेगा। और जबकि अभी दो दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा था और उसमें दोनों देशों के रिश्तों को अच्छा करने की बात कही थी। और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री का इस तरह से वीडियो का सामने आना, इससे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में उनकी आर्मी, उनके प्रधानमंत्री और उनके अन्य मिनिस्टर्स के बीच जो तालमेल है वो सही से नहीं बैठ रहा है। बाकी ये तो हम सभी जानते ही हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती हैं, और हमारा निकम्मा पड़ोसी उन्हीं में से एक है। और वैसे इस तरह की हरकत करने वालों के लिए एक बहुत अच्छी कहावत है कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना, लेकिन हमारा निकम्मा पड़ोसी ऐसा है जो अपना पैर कुल्हाड़ी पे मारता है। महाराष्ट्र में स्थित जियोस न्यूमेरिक्स नाम की MSME एक ऐसी खास टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जो इंडियन वॉरशिप्स को रडार में से इनविजिबल कर देगी। यानी कि इस टेक्नोलॉजी के साथ दुश्मन की रडार भारत की वॉरशिप्स को ढूंढ नहीं पाएंगी। और जियोस न्यूमेरिक्स वही कंपनी है जिसे एरो इंडिया शो 2021 में IDEXX चैलेंज का विनर घोषित किया गया था। और वॉरशिप्स को इनविजिबल करने वाली टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए अब इस कंपनी को रक्षा मंत्रालय से करीब 1.5 करोड़ रुपए का बजट मिला है। और कंपनी इस प्रोजेक्ट को पब्लिक सेक्टर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ मिलकर पूरा करेगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो जियोस न्यूमेरिक्स है इसमें केवल 42 एम्प्लॉयज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके 50 डिफेंस कस्टमर्स हैं और इन्होंने 225 से भी अधिक डिफेंस प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। और अब जो ये वॉरशिप्स को इनविजिबल करने वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, अगर ये टेक्नोलॉजी सफलतापूर्वक विकसित होती है तो भविष्य में इसका इस्तेमाल भारत के अन्य मिलिट्री इक्विपमेंट को भी एक स्टेल्थ कैपेबिलिटी देने में किया जा सकेगा। बाकी इसके अलावा इंडियन आर्मी के लिए BDL द्वारा मैन्युफैक्चर की गई आकाश मिसाइल्स को आज ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। और BDL इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के लिए आकाश मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर कर रही है। और BDL का मेन फोकस है मेक इन इंडिया पहल के तहत अधिक से अधिक स्वदेशी कंटेंट के साथ ही आकाश वेपन सिस्टम को मैन्युफैक्चर किया जाए। और जो रिपोर्ट सामने आई है उनके मुताबिक भारत का जो वर्तमान समय में आकाश वेपन सिस्टम है इसमें 96% इंडिजीनियस कंटेंट है। 100 यंग इंडियन वुमेन का पहला ग्रुप इंडियन आर्मी की मिलिट्री पुलिस में इंडक्ट होने के लिए तैयार है। और भारत की ये पहली वुमेन पर्सनल वाली मिलिट्री पुलिस मई के महीने में इंडियन आर्मी की सर्विस में शामिल होंगी। ऑफिशियल्स का कहना है कि वुमेन मिलिट्री पुलिस के इस पहले ग्रुप में 100 कैडेट्स हैं जिनकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और मई के महीने तक इन्हें इंडियन आर्मी की सर्विस में मिलिट्री पुलिस के तौर पर इंडक्ट किया जाएगा। और आपको बता दें कि इन 100 वुमेन पर्सनल के पहले ग्रुप में से 27 हैं उत्तर प्रदेश से, 26 हैं हरियाणा से, 8 हैं कर्नाटका से, 6 केरला से और 2-2 हिमाचल प्रदेश और असम से, और बाकी 1-1 वुमेन पर्सनल हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और ऐसी अन्य स्टेट से। और इंडियन आर्मी में इंडक्ट होने के बाद इन सभी कैडेट्स को लांस नायक की रैंक दी जाएगी। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।